नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता, और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। ब्यावरा सुठालिया तहसील अंतर्गत आने वाले ग्राम नापा नीरा में सरपंच प्रतिनिधि शिक्षक रामचंद्र तोमर नापा नीरा वाले ने एक नई पहल शुरू की है, जिसमें हर 14 अगस्त को ग्राम पंचायत स्तर पर कार्यरत अधिकारी कर्मचारियों को पंचायत की तरफ से सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित कर अच्छे कार्य करने के लिए प्रशंसा पत्र देने का क्रम शुरू किया। शिक्षक रामचंद्र तोमर द्वारा गौशाला भवन में कार्यक्रम रखा गया, जिसमें स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, एमपीवी, महिला बाल विकास ग्राम कोटवार के साथ ही सहकारी संस्था और पंचायत में काम करने वाले सचिव, सहायक सचिव सहित अन्य कर्मचारियों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि जिला पंचायत अध्यक्ष चंद्र सिंह सोंधिया रहे। कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष चंद्र सिंह सोंधिया के द्वारा अस्पताल और स्कूल परिसर में वृक्षारोपण भी किया गया। स्कूल परिसर में वृक्षारोपण करने के बाद विकास खंड शिक्षा अधिकारी दिलीप शर्मा ने स्कूल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान बच्चों को दिए जाने वाले मध्याह्न भोजन में कमी पाई गई। बच्चों के द्वारा बताया कि हमें मेनू अनुसार भोजन नहीं दिया जाता है और कच्ची रोटियां परोसी जाती है, जिस पर शिक्षा अधिकारी ने मध्याह्न भोजन बनाने वाले समूह को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। इस मौके पर ग्राम पंचायत सरपंच धापू बाई तोमर, लाखन सिंह तोमर, भगवान सिंह सरपंच भूखनी, सरपंच प्रतिनिधि देवी सिंह सोंधिया, कचारिया खेड़ी जगदीश सिंह, कई ग्रामीण मौजूद रहे। उत्सव के रूप में आज एक कार्यक्रम रखा, इसमें सभी विभाग के कर्मचारी को, अधिकारियों को बुलाया और उनको प्रमाण पत्र वितरण किए, ताकि वे अच्छी सेवा दें। यदि वो सेवा देंगे तो मेरी ग्राम पंचायत के सभी लोगों को फायदा मिलेगा। इस कारण ये कार्यक्रम किया और आगे भी हर वर्ष ये कार्यक्रम करता रहूँगा। क्या क्या जो समस्याएं ग्राम की प्रमुख कोई पंचायत संबंधी समस्या हो तो बताइए। आज जो कार्यक्रम है, इसमें मुख्य अतिथि कौन थे? आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष जी और विकास खंड शिक्षा अधिकारी, ये हमारे मुख्य अतिथि थे। और इसमें सभी विभाग के प्रशासनिक अधिकारी और कर्मचारी ने भाग लिया। गाँव के सभी लोग पधारे और गांव की जो प्रमुख समस्या है उसके बारे में मैंने नहीं, हमारे गांव वालों ने, सभी ने बार बार माननीय कलेक्टर महोदय, माननीय एसडीएम महोदय और हमारे राजनेताओं को अवगत कराया, पर उन समस्याओं पर अभी तक कोई विचार नहीं हुआ। वो मेरे पास सभी की आवक जावक रखी हुई है, कोई विचार नहीं हुआ। हमारे यहाँ समस्याओं में बताऊँ, पहली समस्या हमारे यहाँ लाइट की। यहाँ पर पवार साहब ने मेहनत की और उन्होंने ग्रिड बनवा दिया, पर आज भी पूरे क्षेत्र में यदि कहीं भी फॉल्ट होती है तो पूरा नापानेरा पंचायत को अंधेरे में रहना पड़ता है। उसका अलग कोई व्यवस्था नहीं है, तो इसका फीडर अलग लगना चाहिए। दूसरी, हमारे यहाँ नापानेरा का जो तालाब है उसका जल स्तर बिल्कुल वो पुर चुका है, तो इस कारण से आसपास के सभी लोगों को पानी की भारी समस्या आती है। तो जो सर्वे हुआ पार्वती से पानी लाने का जो सर्वे हुआ, उसमें भी हमारा गांव छूट, हमारे आसपास के 20-25 गांव छोड़ दिए गए, 40 गांव छोड़ दिए गए। तो हम शासन से हमने निवेदन किया कि सर्वे हो और हमारे खेतों को भी पानी मिले। और जो पीने का पानी है, गर्मी में ज़्यादा समस्या आती है पीने का पानी, जो पीने के पानी की जो पार्वती की पारसाना से लाइन गड़ी है, वो लाइन ऐसी जगह से गाड़ दी जहाँ पानी की व्यवस्था ही नहीं है। तो जहाँ पर पानी की व्यवस्था है वहाँ से लाइन गाड़ी जाए। गर्मी में पानी चाहता है, गर्मी में पानी नहीं मिलता, अब नल आए या बारिश में क्या करें, नलों का क्या उपयोग है अब नल का? बारिश में यहाँ पर पर्याप्त पानी है बारिश में, तो गर्मी में भी पानी मिलना चाहिए। गर्मी में बहुत समस्या आती है पानी की। मूलभूत सुविधाओं में अस्पताल, शिक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा और स्वास्थ्य और मध्याह्न भोजन लेकर कोई है उसके बारे में हमारे नेताजी सर? गांव की जो मेन समस्या है, सबसे बड़ी समस्या है ग्राम पंचायत के अंतर्गत पीएम आवास की। क्या नाम क्या है आपका? मेरा नाम जगदीश सुमन है, भाजपा मंडल उपाध्यक्ष हूँ और छोटा मोटा गाँव का दायित्व निभाता हूँ। पर मूलभूत सुविधा गांव में जो है, गरीब वर्ग के, निबंध वर्ग के लोग रहते हैं, जो भूमिहीन मजदूर है, करीबन 100 से 150 परिवार है जिनको अभी तक आवास का लाभ नहीं मिला है। और हमारा आग्रह है शासन प्रशासन से कि सभी को ज़्यादा से ज़्यादा पीएम आवास आए, एवं ग्राम के अंदर शौचालय की बहुत भारी मात्रा में कमी है। अभी पंचायत के अंतर्गत 4 से 5 या 6 शौचालय का ऐसे सुनने में आया कि इतने शौचालय मिल रहा है, पर लेकिन नापानेरा पंचायत में करीबन 200-250 शौचालय की आवश्यकता है। माता बहनों को बहुत परेशानी है। और एवं हमारे गांव में 1980 में लाइट गड़ी थी, जब से अभी तक ग्राम के अंदर, नापानेरा के अंदर लाइट का नवीनकरण नहीं हुआ। अटल ज्योति का केवल नाम मात्र ढांचा है, ना पोल है, ना कोयल है, ना तार है, ना कुछ भी नहीं है। पूरे गाँव की लाइट की व्यवस्था पूरी खराब है। और हमने इस लाइट के लिए एडम जिला कलेक्टर महोदय को एवं जिला एमबीबी अधिकारी को एवं सम्मान्य मंत्री जी को भी ज्ञापन दे चुके हैं। और सुपरवाइजर साहब के द्वारा, उनने पवार साहब के द्वारा, मंत्री जी के द्वारा सर्वे भी करवाया है। अब उसकी आगे प्रक्रिया क्या होती है उनकी जवाबदारी है, हमारी मांग है केवल। मूलभूत सुविधा में क्या है? स्कूल की व्यवस्थाएँ ठीक चल रही है? अस्पताल में डॉक्टर समय से आते हैं? हाँ, ये तो आ रहे हैं स्कूल में। हाँ, ये सही।
मध्याह्न भोजन कैसा चल रहा है? हम लोग आए थे उसमें तो काफ़ी कमियां देखने को मिली। मध्याह्न भोजन तो देश की आज मध्याह्न भोजन तो क्या है कि एक ऐसा है कि नाम मात्र है और मध्याह्न भोजन का कोई वजूद नहीं है यहाँ। तो मेरा तो निवेदन ये है कि मध्याह्न भोजन की जगह बच्चे बच्ची को सूखा खाद्यान्न बांट दे तो उससे उचित तो कुछ हो ही नहीं सकता है। कहाँ से आए आप? भगवानपुरा गाँव से। तो आज ये कार्यक्रम था इसी की सूचना पर आए थे। थोड़ा देखते हैं वैसे और अच्छा लगा मुझे, बहुत अच्छा लगा जो एक हमारे मार्ग साहब ने बहुत अच्छी पहल करी सभी कर्मचारी को प्रशासनिक पत्र सौंपा, बहुत अच्छा लगा। क्या नाम है आपका? क्या कुछ कहना चाहेंगे इस कार्यक्रम को लेकर? आज कहना चाहता हूँ गोदाम की व्यवस्था नहीं, आज ये 16 गांव हैं सहकारिता समिति में, 16 गांव में गोदाम जरा सी बड़ी है, हम चाहते हैं कि थोड़ी सरकार से कि यहाँ एक गोदाम की व्यवस्था की जाए जिसमें खाद का पर्याप्त भंडारण हो। एक और शासन और प्रशासन से ये निवेदन है कि हमारे जो टप्पा है नापानेरा जो टप्पा चल रहा है सुटालिया में उसमें 14 पंचायत आती है, सर्कल के अंतर्गत 14 पंचायत आती है और 14 पंचायत के लोग कहाँ जा रहा है? सुटालिया। यदि शासन प्रशासन एक टप्पे की व्यवस्था कर दे, टप्पा भवन या स्वीकृत कर दे और 8 दिन में एक दिन, जैसे कि पहले सुटालिया तहसीलदार साहब बैठते थे, ऐसे यदि यहाँ बैठ जाए तो 14 पंचायत के लोग सुटालिया नहीं जाके उनका काम यहाँ हो जाए। पुराने समय में यहाँ तहसील भी रही है तो यहाँ पर टप्पा भवन की मांग की जाती है कि शासन प्रशासन यहाँ पर टप्पा भवन की स्वीकृति प्रदान करे। आदरणीय मंत्री जी, हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष जी और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी से भी आग्रह है कि नापानेरा में पुरानी तहसील रही है तो यहाँ पर टप्पा भवन स्वीकृत किया जाए। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। ब्यावरा से खबर समय जगत के लिए देवी सिंह सोंधिया की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।